दोस्तों भारत आज काफी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है और इस तरक्की को रफ्तार देने के लिए भारत का झारखंड राज्य भी अपना योगदान देने वाले हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि झारखंड में 40 परियोजनाओं पर मंजूरी दी गई है, जिसमें 27 सड़क का निर्माण, 6 रेलवे ओवरब्रिज और 4 पुल का निर्माण शामिल है। वैसे आपको ये तो पता ही है कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिया का 40% से अधिक मिनरल रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये स्टेट पर कैपिटा इनकम के मामले में नीचे से थर्ड पोजीशन पे आता है। यहाँ पे 39.1% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी में रहती है, यानी कि जो भी इस स्टेट में नेचुरल रिसोर्स मौजूद है उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। इस स्टेट में बहुत सी समस्याएं हैं जिनके वजह से ये स्टेट विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है। आज के टाइम में किसी भी देश की या फिर किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल या फिर कहे तो बेसिक पिलर की तरह काम करता है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी कमी इस स्टेट में सबसे ज्यादा है। वैसे आप लोगों को ये तो पता है कि एक मजबूत और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ नक्सल की प्रॉब्लम भी मौजूद है, जिसको विकास का इनेमी भी माना जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे झारखंड के 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जिनके पूरा होते ही झारखंड को एक नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट में बताइए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झारखंड के 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारा 10वां प्रोजेक्ट है रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों वर्तमान में पूरे देश में जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी को रीडेवलप किया जा रहा है, ताकि जो सुविधा एयरपोर्ट पर मिलती है ठीक उसी टाइप की फैसिलिटी यहां पर भी मिल पाए। तो इस लिस्ट में रांची भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में 2 से 3 स्टोरी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 10 लिफ्ट, 17 एक्सीलेटर, सेपरेट एग्जिट एंट्री पॉइंट, पार्सलिंग हैंडलिंग सिस्टम को बिल्ड किया जाना है। अब जो नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी उसमें पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म नंबर 5 से फुट ब्रिज के जरिए दूसरे टर्मिनल बिल्डिंग को कनेक्ट किया जाएगा, जो एलिवेटेड कॉन्कोर्स होगा। उसमें वेरियस एमिनिटीज को जोड़ा जाएगा, जैसे कि रेस्ट रूम, कैफे और रेस्टोरेंट। और इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट 437 करोड़ रुपए एस्टिमेट किए गए हैं। अगर सब कुछ सही समय पर होता है तो इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे। दोस्तों उड़ीसा के संबलपुर और झारखंड के रांची के बीच 1462 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ही डेवलप किया जा रहा है, जिसे NHAI बिल्ड करेगी, जो एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगी और आवश्यकता अनुसार इन फ्यूचर इसे 8 लेन भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे में गाड़ी की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है और जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां वहां पे बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज होने वाली है, जिससे इन दोनों स्टेट की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। ये है हमारा 8वां सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो 4000 मेगावाट की होने वाली है। दोस्तों झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोल का भंडार मौजूद है। इस कोल से ऑलमोस्ट पूरे भारत को एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज के टाइम पर कोयले का यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एनवायरनमेंट और भारत सरकार की ग्रीन पॉलिसी। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे कोल वेस्ट पावर प्लांट से शिफ्ट होकर सोलर पावर एनर्जी की ओर बढ़ रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। देश के हर एक स्टेट में धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। झारखंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 3 से 4 सालों में 4000 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करना है। झारखंड गवर्नमेंट ने सोलर पावर पॉलिसी प्रोड्यूस की थी 2022 को, तो इसी के अंडर इसे डेवलप किया जाना है। हमारा 7वां प्रोजेक्ट है एम्स रांची। दोस्तों भारत सरकार का प्लान है कि देश के हर एक स्टेट में एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हो, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने रांची में भी एक एम्स को स्टेबल करने जा रहा है। आपको बताते चले कि एम्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। इस एम्स में एजुकेशन, हेल्थ केयर और रेजिडेंसी फैसिलिटीज मौजूद है, जिसके बनते ही रांची भी एक हेल्थ हब के रूप में जानी जाएगी। इसका फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलाज कराने के लिए जाते हैं। हमारा 6ठा प्रोजेक्ट है रांची आउटर रिंग रोड। दोस्तों 15 लाख पॉपुलेशन वाले रांची शहर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इस शहर की आबादी लगभग हर साल 2.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिससे कि इस शहर पर थोड़ा सा प्रेशर बनता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है। लगभग 7000 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही 200 किलोमीटर लंबा रिंग रोड का निर्माण किया जाना है, जिससे यहां की ट्रैफिक में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। इस हाईवे में बहुत से केबल स्टे ब्रिज का निर्माण होने वाला है।
वाला है, जो अभी के टाइम में रिंग रोड एग्जिस्ट करता है रांची में, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे इस आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए इंजीनियर टीम ने हैदराबाद को विजिट किया है ताकि वो समझ पाए हैदराबाद के आउटर रिंग रोड को। अभी फिलहाल इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है और जल्द ही इसके ऊपर DPR रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। पांचवें नंबर पर है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे। दोस्तों यह एक्सप्रेस वे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एक 6 लेन की एक्सप्रेस वे है जिसे भारत माला प्रोजेक्ट के अंडर ही डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को वाराणसी और कोलकाता के बीच बनाया जा रहा है, लेकिन यह एक बड़ा सेक्शन झारखंड रांची से होकर गुजरेगा, जो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसे झारखंड को वेस्ट बंगाल के पोर्ट का एजी और फास्ट एक्सेस मिल जाएगा। झारखंड इस हाईवे के पास एक इंडस्ट्रियल जोन बना सकता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है। तो वर्तमान में इसके लैंड एक्विजिशन के ऊपर काफी तेजी से वर्क चल रहा है। फोर्थ नंबर पर है साहेबगंज मनिहारी केबल स्टे ब्रिज। दोस्तों यह ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है, जो झारखंड के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को कनेक्ट करेगा। आपको बता दें कि यह एक आइकॉनिक ब्रिज होने वाला है और इस ब्रिज का टोटल लेंथ 6 किलोमीटर का होने वाला है। इसके बन जाने से जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इस ब्रिज का पार्ट है 21.6 किलोमीटर के NH 133D का, जिसे झारखंड और बिहार के बीच बनाया जा रहा है। इसके बन जाने के बाद जो विक्रम सेतु पर ट्रैफिक होता था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्रिज का टोटल कॉस्ट 19,000 करोड़ की है और इस ब्रिज को 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। तीसरा प्रोजेक्ट है कुटचेरी पिस्का एलिवेटेड रोड। दोस्तों रांची के कुटचेरी पिस्का रोड को अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड रोड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है, जो 3.6 किलोमीटर के साथ 4 लेन हाईवे होगा, जिसकी कुल लागत लगभग 535 करोड़ की है। इस फ्लाईओवर बनने के बाद यहां से पर डे 15,000 से 20,000 गाड़ियां गुजरेगी। आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जून 2022 को रखा गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा किया जाना है। दूसरे नंबर पर है बोकारो और मांझी एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है। वर्तमान में रांची से बोकारो जाने में 3 घंटे का समय लगता है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यह डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट का ही रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को NHAI के द्वारा बिल्ड की जा रही है, जिसकी टोटल लेंथ 90 किलोमीटर की होगी और इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड को 17,000 करोड़ की है, जो पूरी तरह से एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। अब हमारा आखिरी और नंबर 1 प्रोजेक्ट है मसालिया रानीश्वर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली झारखंड वालों के लिए, जिसका फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2022 को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। यह इरिगेशन के लिए पहला प्रोजेक्ट है जो झारखंड में बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के किसानों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ के पानी लगभग 22,380 हेक्टेयर लैंड तक पहुंचेगा और इसके लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन का यूज होगा। तो दोस्तों ये रहे झारखंड के 10 बड़े प्रोजेक्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया और जिस पर अभी काफी तेजी से वर्क चल रहा है। वैसे तो अभी झारखंड के ऐसे और प्रोजेक्ट है जो अभी रन कर रहे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारी प्रोजेक्ट को डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।